नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलधर। आप सभी को जलधर किचन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशम। सारी घर की इंग्रेडिएंट्स में बना रहे हैं, बाहर का मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। उसके लिए आप देख पा रहे हैं, पेपर लिया हूं, जीरा लिया हूं, लहसुन लिया हूं, कढ़ी पत्ता लिया हूं, चिली लिया हूं। उसको मिक्सी में डाल के हम क्रश कर लिया है। सारे को क्रश कर लिए मिक्सी में। ये क्रश ही टेस्ट अच्छा होता है। आप लोग पेस्ट मत बनाइए, क्रश ही रखिए। हम उसके लिए दो टमाटो लिए हैं और थोड़ा इमली लिए हैं और थोड़ा धनिया पत्ता लिए हैं। ये सारे को हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा पेस्ट बन चुका है। हम अभी एक कुकर लेंगे, कुकर को गरम करेंगे, उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ओके, तो हमारा ऑयल गरम हो गया। हम तड़का में मस्टर्ड डालेंगे। हम इसमें सूखा मिर्ची और कढ़ी पत्ता नहीं डाल रहे तड़का में, क्योंकि हम सब क्रश कर लिए हैं, इसलिए इसमें तड़का में हम नहीं डाल रहे कढ़ी पत्ता और सूखा मिर्ची। हम क्रश किया हुआ सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें हम डाल दिए। इसको 1-2 मिनट सटे करेंगे। हमारे ये सटे हो गया। इसमें हम वो पेस्ट जो बना के रखे थे, टमाटो और धनिया पत्ता और इमली, उसको ऐड करेंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट और हल्दी 1 टेबलस्पून और चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और मसाला को 2 मिनट सटे करेंगे। हम इसमें करीब 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी जस्ट लगने वाला है, बंद कर सकते हैं या तो 1 सीटी लगा सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। आप जब रेशम पी रहे हैं तब आपको मुंह में कड़ी पत्ता, लहसुन, सूखा मिर्ची, कुछ तड़का में जो लगाते हैं वो सब मुँह में नहीं आएगा। आप आराम से ऐसे पी सकते हैं। बाय, हमारा 1 सीटी हो गया है। हम अभी ओपन करने वाले हैं। आप देखिए कैसे दिख रहे हैं। आप लोग एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए, टेस्ट कैसा लग रहा है मुझे बताइए कमेंट में।